नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेदों में सुखी जीवन। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हम इस विषय की भूमिका की ओर चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। हम प्रायः वेद शब्द की चर्चा अनेक स्थानों पर सुनते हैं। कोई वेद को दुखों का नाशक कहता है तो कोई इसे सुखदायक मानता है। किसी ने कहा कि वेद का अनुगमन करने वाला कभी हताश नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। किंतु इस प्रकार की चर्चा करने वाले लोगों में अधिकांश ने केवल वेद शब्द ही सुना है। वह नहीं जानते कि वेद किस वस्तु का नाम है, यथा इस का प्रयोजन क्या है। इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पहले वेद के संबंध में जानना आवश्यक हो जाता है। तो आइए वेद के संबंध में कुछ जान पाने का यत्न करें। वेद क्या है, प्रश्न उठता है। वेद इस सृष्टि का वह ज्ञान है जिसे परमपिता परमात्मा ने स्वयं सृष्टि के आरंभ में अग्नि, आदित्य, अंगिरा, वायु नामक चार श्रेष्ठ ऋषियों के माध्यम से प्राणी मात्र की सहायता और कल्याण के लिए दिया था। इस कल्याणकारी ज्ञान की सहायता से इस धरती पर जीव ने अनेक ऊंचाइयों को छुआ, अनेक प्रकार की उन्नतियों के शिखरों को पाया। किंतु अब भी हम नहीं समझ पाते हैं कि परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है क्या। वेद कितने हैं, प्रश्न ये उठता है। दूसरा, यह तो स्पष्ट ही हो गया है कि यह ज्ञान वह है जो प्रभु ने चार ऋषियों के माध्यम से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया। इसके साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि वेद चार हैं। प्रत्येक वेद का ज्ञान एक ऋषियों को दिया गया था। इन वेदों में मानव मात्र की सब प्रकार की आवश्यकताओं, कार्यों, कर्तव्यों के संबंध में ही नहीं बताया गया अपितु ज्ञान विज्ञान के सब क्षेत्रों का इसमें ज्ञान करा दिया गया है। वेद के अंदर सफलता के उपाय भी हैं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, क्योंकि प्रभु ने जीव को कर्म करने में स्वतंत्र रखा है। इसीलिए इस कर्मशील प्राणी के सामने अनेक पल इस प्रकार के भी आए जिन पलों में उसके अपने स्वार्थ के लिए या किसी प्रकार के प्रतिशोध के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अनेक बुराइयों के बुरे कर्म किए उसने। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र होने के कारण दिन भर अनेक प्रकार के कर्म करता है, जिनमें कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। परंतु अच्छे और बुरे कर्म करना तो प्राणी के हाथ में है, किंतु उसका फल परमपिता परमात्मा न्यायकारी होने के कारण तदनुरूप ही देता है। हम उत्तम फल को तो प्रभु का प्रसाद मानकर ले लेते हैं, किंतु बुरे कर्मों के फल के समय हम विचलित होकर निराश हो जाते हैं और अनेक बार रोने लगते हैं। वेद हमें उपदेश देता है कि हे जीव, यह तेरे किए गए कर्मों का ही फल है जिसे तूने अपने पुरुषार्थ के साथ जमा किया है। इस फल को तू प्राप्त करने हुए घबरा नहीं, हंस कर ले तो सुखी होगा, क्योंकि जब तू बुरे कर्मों के फल से निवृत्त हो जाएगा तो शेष बचे अच्छे कर्मों के फल से तुझे अपार सुख मिलेगा, तू प्रसन्न होगा। अर्थात जो है, जब बुरे कर्मों का परिणाम आता है तो हमें घबराना और रोना नहीं चाहिए, कि उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करना चाहिए, क्योंकि जब उसका अंत हो जाएगा उन बुरे कर्मों के परिणाम का, तब हमारे लिए सुख और प्रसन्नता ही रहेगी। प्रभु किसी को निराश नहीं देखना चाहता। इस प्रकार प्रभु नहीं चाहता कि जीव कभी निराश हो, कभी हताश हो, कभी रोवे। इस निराश हताशा से बचने के लिए प्रभु कर्मों का फल देता है। जो बोया वही तो काटना होगा। इस बात को स्मरण रखते हुए हमें कर्मों का फल को साहस से, धैर्य से, वीरता से, प्रसन्नता से भुगतना है, तभी निराशा से बच सकेंगे। हम निरंतर उत्तम कार्य करते हुए जब हमारे खजाने में किसी प्रकार का बुरा कर्म आएगा ही नहीं, तो हम स्वयं ही बुरे कर्म से बचे रहेंगे। कर्म का जो फल बुरा आएगा उससे बच जाएंगे। इस बात को समझना, व्यवहार में लाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वेद में एक नहीं अनेक मंत्र इस प्रकार के मिलते हैं जिसमें बताया गया है कि मानव को कभी निराश या हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अपनी जमा पूंजी ही है। जैसा हम अपने खाते में जमा करेंगे वैसा उतना ही हम अपने खाते से निकालने के अधिकारी हैं। ना तो हम कभी अपनी जमा पूंजी से कम निकाल सकते हैं और ना ही कभी इससे अधिक निकालने की शक्ति रखते हैं। हम समय समय पर इस प्रकार के मंत्रों की व्याख्या करते रहेंगे जो हमें निराश से निकाल कर निराशा से संबल देते रहें। तो कल से एक श्रृंखला के रूप में हम इसको लेकर आएंगे आपके सामने। इस तरह के अन्य वीडियोस के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।